कि कोई भी रेसिपी हो या फिर पनीर को किसी भी ढंग से खाया जाए, किसी भी तरीके से खाया जाए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर मसाला विद शिमला मिर्च, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है सब्जी। और वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे बैलम किचन में। तो पैन गर्म हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे, मैंने एक कड़छी देसी घी ऐड किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं, थोड़ा बारीक चॉप किया है, और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च कट कर ली है। सबसे पहले मैं डालूंगी एक हरी मिर्च और लाल मिर्च बीच में कट लगा कर, और साथ ही मैं डाल देंगे एक आधी चम्मच जीरा, हल्का सा ऐसे हिला लेते हैं, और ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लगाएंगे। हमें इन्हें पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, मीन्स के प्याज और शिमला मिर्च को हमें सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट ही करना है। दो मिनट पकाने के बाद मैं ऐड करूंगी एक टमाटर, मिक्स कर लेते हैं। तो अभी ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन हमारा जो तड़का है वो पक चुका है, तो अभी लहसुन भी पक चुका है, तो अभी ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सफ़ेद नमक, और आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ आमचूर का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्ची, नमक या और कोई भी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच के करीब जो कसूरी मेथी है मैंने अभी अभी रोस्ट की है, इसे फ्रेश रोस्ट करने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हमारी सब्जी से। इसे भी मिक्स कर लेंगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच दही का। दही से हमारी सब्जी बिल्कुल खट्टी नहीं बनेगी, वैसे थोड़ा अलग सा टेस्ट आएगा। और वैसे भी हमने एक चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, बट डालिएगा जरूर। ये देखिए कहीं भी दही आपको दिखाई नहीं दे रही है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है और हमारा मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। मसाले को अच्छे से जरूर कुक कीजिए, वरना हमारी जो सब्जी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ मैंने 300 ग्राम पनीर लिया था, और उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इस पनीर को हम ऐड कर देंगे हमारे मसाला में, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पनीर को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना होता, बस मैं इसमें मिक्स करने के बाद दो मिनट के लिए और पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप पनीर को ज़्यादा कुक करते हैं तो पनीर हार्ड हो जाता है और खाने में भी टेस्टी नहीं लगता। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बट मेरे पास अभी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, पनीर मसाला। तो चलिए अब पनीर सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। ये मैंने एक स्टाइलिश सी प्लेट ली है, बहुत ही टेस्टी बनकर सब्जी तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।